नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जहां पर दोस्तों बेंगलोर के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो बेंगलोर की टीम है उन्होंने एक नया हेड कोच को साइन किया है जो कि विश्व विजेता कोच है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आकर उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबा दीजिए। दोस्तों आप सबको तो याद होगा, जब भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तब उस समय में दोस्तों जो भारत के कोच थे वो थे गैरी कस्टन। तो दोस्तों अभी 2018 आईपीएल में जो आरसीबी है उन्होंने गैरी कस्टन को साइन कर लिया है एज ए हेड कोच के रूप में। लेकिन दोस्तों बेंगलोर के पास पहले से ही जो डैनियल विक्टोरी है वो हेड कोच की भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोस्तों डैनियल विक्टोरी भी जो है वो आरसीबी के टीम में बने रहेंगे, वो जो है टीम से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो गैरी कस्टन है वो भी आरसीबी की टीम में 2018 में आके जुड़ जाएंगे और एज अ हेड कोच की भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है आरसीबी की फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि दोस्तों जो गैरी कस्टन है वो बहुत बड़े कोच है, उन्होंने भारत को एक बार वर्ल्ड कप जिताया है। और दोस्तों आने वाले समय में क्या गैरी कस्टन आरसीबी की किस्मत पलट सकते हैं, क्या आरसीबी फर्स्ट टाइम आईपीएल का खिताब जीत सकती है गैरी कस्टन की मौजूदगी में, तो दोस्तों ये तो है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है आरसीबी की टीम के लिए, क्योंकि जो गैरी कस्टन है उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोचिंग का, और जो जितने भी नए लड़के हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही क्रिकेट और आईपीएल की खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबाइए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।